प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं पाशा राजा मसीह को फिर आपके सम्मुख और आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो है पवित्र बनो, है ना, क्योंकि मैं पवित्र हूँ और बाइबल हमें यही बताती है मेरे जो। तो और यही टॉपिक है जो शैतान हमें इस टॉपिक से अलग कर देता है, कैसे करता है और कैसे हम अपवित्र हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपवित्र हो गए और हम अपवित्र हो जाते हैं। जब भी कोई टॉपिक मुझे मिलता है तो मैं उस टॉपिक पे परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे वो टॉपिक वो संदेश देने के लिए करता है। जब मैं कुछ देखता हूँ मेरी आंखों के सामने, जब भी मैं आता हूँ मेरे अजीजों, और आज विषय है बहुत गंभीर, इसे गंभीरता से लेंगे, मजाक में नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे। आपके आपके घर, आपके परिवार के भाई बहन, आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व लेने आ रहा है, लेके आ रहा है टॉपिक, इसका नाम है पवित्र, यानी कि पवित्र बन जैसे मैं पवित्र हूँ। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता, जो बोले पिता आप प्रभु की आत्मा की तरह बोलूँ पिता, सुनने वाले पिता सहायता मदद करना और कानून सुना जाए और उनके जीवन में वो प्रवेश कर पाए और पवित्रता में ला पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस कुछ समय के लिए आप परमेश्वर के पास आइए और वो आपको पवित्र बनाएगा और हमेशा हम पवित्र रहेंगे। देखिए पवित्र का सबसे बड़ा टॉपिक है ये, क्यों है टॉपिक और कैसे हम पवित्र से अपवित्र बन जाते हैं, है ना, और कैसे हम पवित्र बन सकते हैं बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके, है ना। लेकिन कैसे नहीं बनते, ये बहुत बड़ी रीज़न है। हम आजकल जो शतरंग का छतरा टॉपिक है वो अपवित्र है। जब मेरी आंखों के सामने कुछ दिखता है, मैंने अपनी लाइफ बता चुका हूँ आपको मैं कैसे था, मैं जानता हूँ परमेश्वर कैसे मुझे लेके आया, है ना, आपको भी लेके आएगा। लेकिन मेरे अजीजों आज जो टॉपिक है वो यही है, पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूँ, अर्थात विवेचार फिजिकल इशू से बच रहा हूँ। लेकिन फिजिकल के बिना भी, फिजिकल के अलावा भी, फिजिकल के शारीरिक संबंध के बिना भी हम अपवित्र होते हैं। इसलिए मेरे अजीज तो पवित्र बनना क्यों जरूरी है, हम और आज शैतान का सबसे बड़ा टारगेट है अपवित्र करना हर भाई बहन को, हर किसी को, हर जो देखने वाला है, खासकर नौजवानों को, तो वो बिल्कुल अपवित्र कर चुका है। और जब वो जानता है कि मेरा और आपका शरीर पवित्र मंदिर है, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है और हम इसी को लेकर पाप करते हैं, और याद रखना पाप करते समय परमेश्वर हमें देखता है और वो हम पे क्रोधित होता होगा। पाप से परमेश्वर को नफरत है, मेरे पापी से। लेकिन जब हम अपवित्र हो जाते हैं, शैतान यही कहता कि देख अब तू अपवित्र हो गया, अब तेरा कोई काम नहीं। लेकिन जब हम प्रायश्चित करते हैं तो परमेश्वर हमें इन पापों से आजाद करता है। आप मेरी गवाही सुन चुके हो, मैं सबसे बड़ा मनुष्य था, प्रभु मुझे लेके आया मेरे अजीज, तो आज आपको भी लेके आएगा। जो भाई बहन ये सोच रहे कि मैं इस पाप से कैसे निकलूं, जो भाई बहन ये सोच रहे इस पवित्र पंथ में कैसे करूं, मैं पवित्र कैसे बनूं, कैसे आए, वो इस संदेश को जरूर सुने, वो बहुत बड़े परमेश्वर उनको बहुत बड़ा काम देने वाला है आज के डेट में। आइए वचन में जाएंगे और परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है मेरे अजीज, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी सुने, सबके लाइफ में काम करेगा। और परमेश्वर का वचन जब भी निकलता है तो वो कारगर साबित होता है, याद रखना। पैरा निकालेंगे मेरे साथ, यहोशू 3:5 मेरे साथ निकालना, क्या लिखा है। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कल के दिन यानी कि जब आज हम पवित्र कर लेंगे, कल हमारा अच्छा आने वाला है, कल हमारा प्रभु में आने वाला है, कल हमारा बुलंद होने वाला है। जब मैं पाप करता था, जब मैं गंदी फिल्में देखता था तो मेरा कल डेड था, अंधेरा था। लेकिन आज परमेश्वर की महा करुणा से मैं कल के लिए सो सकता हूँ, मैं कल के लिए प्लानिंग कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कल मैं तेरे आज जीवन में आश्चर्य करूंगा। वो कर रहा है हर दिन, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है मेरे जीवन में, मेरे भाइयों, वो भी आपके जीवन में करने वाला है। इसलिए वचन कहता है पवित्र कर, परमेश्वर ने बार बार कहा है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है मेरे अजीजों, इसलिए हमें और आपको कहता है। लेकिन आज शैतान का सबसे बड़ा टारगेट है कि वो हमें अपवित्र करता है, फिजिकल रिलेशन के बावजूद भी हमें अपवित्र करता है। शारीरिक संबंध तो पाप करता ही है, शारीरिक संबंध तो हमें पाप में डालता ही है, लेकिन उसके अलावा भी हम पाप करते हैं, वो भी अपवित्र हो जाते हैं। मेरे साथ निकालोगे लय व्यवस्था और उसका 11 पद, ग्यारह की 45 आयत क्या लिखा है, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। हालेलुया, हमें प्रभु पाप से निकाल के लाया ताकि हम और आपका परमेश्वर ठहरे। फिर क्या कहता है, निकाल आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर हूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है, इसलिए तुम पवित्र बनो, हम और आप पवित्र बने मेरे अजीजों।
हम आप जब पवित्र बनेंगे तो हम परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर की आश्रयकर्म को देखेंगे। आज जो हमारे घर में आश्रयकर्म नहीं हो पाते ना, जो हमारी लाइफ में आश्रयकर्म नहीं होते, वो अपवित्र है। क्योंकि हम दुनिया के लिए तो अपवित्र है, लेकिन अपने मन में हम जानते हैं कैसे है। आज मन का स्वामी परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर आपको बदलने वाला है मेरे जीजों। जितने भाई बहन डिप्रेशन में है कि मैं कैसे बदलूं, कैसे इस अपवित्रता की जिंदगी में भा रहा हूं, परमेश्वर आपको निकालने वाला है। आज की डेट में निकालेंगे मेरे साथ। निकालो मेरे साथ मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक और वचन में हम जाएंगे और मैं बताऊंगा कि हम कैसे अपवित्र करता है शैतान हमें। यह बहुत गंभीर मामला है। इस समय परमेश्वर शैतान की जंग है। महिमा हम शैतान को देंगे तो अपवित्र करेंगे हम अपने आप को। परमेश्वर को महिमा देंगे तो पवित्रता में ही रहेंगे। और कैसे हम पवित्र में रह सकते हैं और कैसे हम पवित्र हम करते हैं अपने आप को, हमें पता भी नहीं चलता कैसे। मैं बताता हूँ आपको, पहले वचन को पढ़ेंगे। लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय 3 वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यहाँ व्यभिचार के बारे में बताता है मेरे लिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे अपवित्र करते हैं हमारे अपने आपको। देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यानी कि एक लड़का एक लड़की के संबंध, उसे अपवित्र होते हैं, फिजिकली उसे अपवित्र करती है, लेकिन हम इनके अलावा भी अपने आप को पवित्र करते हैं, गंदे हो जाते हैं। कैसे होते हैं? हमारे शरीर में हर एक अंग बहुत महत्वपूर्ण करता है। प्रभु का वचन कहता है, लिखा है कि जब तेरा मन तुझे दोषी ठहराए तो तू पूरे पूरे बॉडी पे क्या है वो दोषी करार हो गया ना। लिखा है कि तुम व्यभिचार कर सकते हो। मत्ती 5:17 में साफ लिखा है कि देखिए हमारी आंखें हमारा मन भी अगर हमें गंदा करता है तो हम उस अपवित्र हो चुके हैं। हमारी आंखें पवित्र होना चाहिए। वचन कहता है कि मैं क्या किसी कुमारी पर दृष्टि करूं, आंखें हमारी परमेश्वर की है, ये हमारी आंखें पवित्र होनी चाहिए। अगर हम किसी का फिगर देख रहे हैं ना, किसी लड़की को उसी तरह से देख रहे हैं, बेशक हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, आज तक हमने फिजिकल नहीं बनाया, लेकिन हमारी आंखें मन हमारा वहीं है। हम लड़की के है ना फिगर को देखेंगे, क्यों देखेंगे? क्योंकि हमारा पाप करने का मन है ना। वो बहन चली जाएगी है ना, अपने घर चलेगी, लेकिन हम उसको फिर इमेजन करेंगे, उसके फिगर को लेके हम रात को इमेजन करेंगे और फिर गलत काम करेंगे, तो हम व्यभिचार में पड़ गए, हमने अपने आप को अपवित्र कर लिया। कहाँ है पवित्र? हम बड़े शोर से करते हैं, अरे मैं पवित्र हूँ, मैं तो किसी को देखता भी नहीं है ना, किसी के साथ मेरे संबंध नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। लेकिन जब हम ये क्रिया करते हैं तो अपवित्र ठहरते हैं। मन का मन से हम इमेजन करें, किसी भी लड़की किसी को देखकर किसी को सोचकर मन का पाप से आप अनलिमिट व्यभिचार कर सकते हो मेरे जीजू, जैसे मैं करता था है ना। इसकी कोई रोक टोक नहीं। आप किसी दोस्त के घर जा रहे हो, पवित्र दोस्त है, अच्छा दोस्त है ना, मिलनसार है, लेकिन जैसे कि बहन पे नजर गई आपकी इमेजन आ गया, आपके शरीर की भूख जग गई, वहां आपने आप पवित्र कर लिया। आप खानदान में हो, आप बाहर हो, कहीं भी हो, वचन और आंखों के द्वारा कैसे पाप करते हैं। जब हम ब्लू फिल्म देखते हैं, गंदी फिल्म देखते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो भी तो अपवित्र है। हम किसी को नंगा देख रहे हैं, हम किसी को अश्लीलता में देख रहे हैं, कैसे हम बाइबल पढ़ते हैं उसी आंखों से, वचन देखते हैं उसी आंखों से, ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे अजीज? पवित्र बन, परमेश्वर पवित्र है। आज अपनी आंखों को भी कंट्रोल में रखना है, अपने हाथों को भी कंट्रोल करना। जिस हाथ से बाइबल पकड़ते हैं उस हाथ से हम मोबाइल की गंदी चीज़ों को टाइपिंग ना करें, गंदी चीज़ लिख कर टाइपिंग ना करें। जिस मुंह से हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं उस मुंह से हम लड़कियों को अपशब्द ना बोले, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। जब हम चैटिंग करते हैं, जब हम फोन पर गर्लफ्रेंड बनाते बात करते हैं, तो हम अपने शब्दों को गलत उपयोग करते हैं, सब जानते हैं। गाली में हम अपवित्र बनते हैं, आंखों के द्वारा, मुंह के द्वारा, कानों के द्वारा है ना। हम कानों से गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को ये ना कहे कि वो जब अश्लील बातें बोलता है तो मैं अच्छा लगता है, ये अपवित्र में जो फिजिकल नहीं हो पा रहा है ना। आजकल मैं देख रहा हूँ, आजकल इतना मैं हैरान हूँ, भौचक्का हूँ, इतनी साइडें, इतनी वेबसाइटें खुल चुकी है अश्लीलता के लिए कि चैटिंग करो, मन चाहे संबंध बनाओ, मन चाहे। गवर्नमेंट क्या कर रही नहीं समझ आ रहा, लेकिन मेरा और आपके गवर्नमेंट तो परमेश्वर मेरे चीज़ों। आप कहोगे भाई क्या हम इस दुनिया से निकल जाए, इस दुनिया में तो रहना बेकार है, फिर तो इस दुनिया में सभी अपवित्र है। मैं ये नहीं कह रहा इस दुनिया से निकल जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है इस दुनिया में हम रह सकते हैं, इस दुनिया में हम रह सकते हैं, लेकिन हम अपने पे कंट्रोल करें। क्या मुझे शैतान आजमाते नहीं, क्या मुझे शैतान दिखाता नहीं, हम जब हम नेट पर काम करते हैं है ना, सोशल मीडिया में आते हैं, क्या मुझे नहीं दिखाता? लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो कि उसने मेरे दिल को पकड़ रखा, आज आपके दिल को पकड़ेगा। वचन कहता है कि हम पवित्र बने क्योंकि वो पवित्र है। जैसे आपने पानी का जहाज देखा होगा, पानी का जहाज पानी पे चलता है लेकिन पानी की चीज़ों को ग्रहण नहीं करता, वैसे हम संसार पे रहते हैं कि संसार की चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सकते। मेरे साथ वचन निकालना मेरे चीज़ों, पहला पत्रस वही वचन है जो लेवा सब ने पढ़ा था, और उसका पहला पत्रस 15 क्या कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है ना, वैसे तुम भी
अपने सारे चाल चल में पवित्र बनो, यहां सारे में लिख दिया व्यभिचार नहीं, सारे चाल चल में पवित्र हो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया, लिखा है कौन, मैंने कह रहा, परमेश्वर कह रहा है, मेरे जी तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं सारे चाल में पवित्र बना। अभी मैं वही बता रहा था आपको कि हम अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने होठों से, यहां तक अपने पैरों से किसी घर कहाँ जाते हैं, वेश्यागृति में जाते हैं ना, अपने उन लड़कियों के पास जाते हैं जो किसी कारण वेश्यागृति पड़ गई है। आज मैं प्रार्थना करूंगा उन बहनों के लिए जो वेश्यागृति में है, जो अपना देह व्यापार कर रही है, परमेश्वर को छुड़ाएगा। हम गलत उस पर जा रहे हैं, अपने हवस को पूरा करने के लिए पति को, पत्नी को छोड़ देते हैं, पति को छोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं, फिर कहते हैं हम पवित्र हैं, हम उसी हाथ से बाइबल पढ़ते हैं, उसी पैरों से चर्च जाते हैं, उसी पवित्र भवन जाते हैं, और उसके बाद ही फिर हम पार्कों में, होटल में कमरे बुक करते हैं। कहां से हम पवित्र है मेरे अजीजों? अगर आपको पवित्र बनना है तो वचन को मानना पड़ेगा और अंगीकार करना पड़ेगा। एक और बात मेरे अजीजों, जब मैं साइट देखता हूं और जब मेरे पास आती है तो मैं हंसता हूं, मैं शैतान से कहता हूं सिर्फ एक बात, अब पुराना राजा नहीं है, ये मर चुका है, नया है, तो क्या क्या कर लेगा मेरा, है ना, वही आपको बोलना है, आपको हंसना शैतान पे, शैतान पे ना हंसे, वो यीशु मसीह के सामने ये ना कहे देख तेरे बेटे क्या कर रही है, देख तेरे बेटा क्या कर रहा है गुप्त में, है ना, ये कल जाके प्रचार कर रहा था आज तक क्या कर रहा है, और कल ये हेलुलिया बोली थी आज ये क्या कर रही है, ऐसी बात है जब प्रभु को सुनाई आती है शैतान की ओर से तो दुखी होता है, और और शैतान नाच रहा होता है, उसकी महिमा हो रही होती है, हम और आप उसकी महिमा अनजाने में कर रहे हैं, आपको पता नहीं, हम संबंध नहीं बना रहे, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे, लेकिन हस्त महसून के जरिए, अपने वीडियो कॉलिंग के जरिए कितने बुरे पाप करते हैं, क्या ये पवित्र, आप पवित्र बात बात नहीं है, क्या हम पवित्र हैं? इसलिए मैं आपको बता रहा था, जब मैं देखता हूँ, जब भी मैं आपके सामने आता हूँ मेरे जो वचन लेके, प्रभु का आत्मा बोलता है, जब मैं साइट देख रहा था सुबह में, जब अपने यूट्यूब पे अपनी प्रचार की वीडियो अपलोड कर रहा था, एक जगह पे मैं गया, आजकल तो मैक्स प्लेयर जो भी हमारा साइट है उसमें एक ऐड आती है, तो जब आपको सबको बताया ऐड आती चमकती रहती है ना, सब लड़कियों की फ्रेंडशिप की चैटिंग की, ये शैतान के दाने हैं हमें और आपके लिए, ताकि डालो और चुगो और मर जाओ, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है पाप के कारण, मेरे अजीजों आप और हमारी बारी है, इसलिए आज पवित्र बन जाए ताकि परमेश्वर का आशीर्वाद हम देख पाए। मैं आपको बता रहा था, जब मैंने देखा तो साइड में लिखा था गे चैट करें, ये बताइए ये एक वो पाप है जो कोई नहीं पकड़ पाता, ये अद्भुत है। मेरे पे प्रार्थना निवेदन आती है मेरे अजीजों, एक भाई की प्रार्थना निवेदन यही आई थी, वो इस मामले में घृषित था, उन्हें पाप नहीं करा था, लेकिन वो कहता मैं पाप ही नहीं हूँ, मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन पता चला उसने जब खुल के बताया कि भाई मुझे लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं गे हूँ, यानी कि यहाँ शैतान तक पहुँच गया है, यानी कि आपको बचने के लिए सिर्फ बाइबल ही परमेश्वर ही आपको सारा दे सकता है। एक बहन की गवाही बताता हूँ, एक बहन की एक गवाही नहीं एक टेस्ट मैंने बताया, जिससे परमेश्वर ने बाहर निकाला, गवाही बाद में आई, उसने मुझे बताया बड़ा अजीबो गरीब किस्सा बताया, उसने मुझे बताया कि भाई मेरा फिजिकल नहीं हुआ आज तक किसी लड़के के द्वारा, मैं बिल्कुल बॉयफ्रेंड नहीं बनाई, लेकिन शैतान इतना चलांग के मुझे आप पवित्र करने के लिए, वो मेरी पड़ोस में एक लड़की को ले आया, उसकी नज़र हमेशा से मेरे पे रहती थी, वो लड़की थी, मैं पे शक नहीं कर पाई, लेकिन जब वो मेरे पास आके कुछ ऐसी करने लगी तो मैं भी मोहित हो गई, मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है, लेकिन मेरे और उसके पति पत्नी जैसे संबंध बने, यानी कि फिजिकल रिलेशन एक फीमेल फीमेल के साथ पूरे 1 साल तक, और वो इतनी, उसको क्या था मुझे नहीं पता। आज ऐसे भाई बहन इस पाप में ग्रस्त है, और कौन शक करेगा, वो यही मुझसे कहती भाई कौन शक करता, कोई भी शक नहीं करता, लड़की के साथ एक लड़की है पूरी नाइट भी रहे तो माँ बाप शक नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी दोस्त तो है, उसकी सहेली तो है, उसे क्या डरना, पाप इतना बढ़ चुका है। क्या आपको पता है हमारे बच्चे हमारे घर के जो जवान भाई बहन है क्या सुरक्षित है? हम पाप में मस्त है, दुनिया में हमारे भाई बहन हमारी बेटी बेटियां कितने पाप में बढ़ गए, आपने कभी चेक करा, कभी पूछा? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप शक करो, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के लिए आपको पूछने का अधिकार है। मेरे अजीजों पवित्र बनो, परमेश्वर पवित्र है, छोड़ दो ये काम, छोड़ दो संसारिक काम, टिकटॉक में अश्लील वीडियो देखना, टिकटॉक में अश्लील बातें सुनना, संसारिक चीज में हर चीज में अश्लीलता है, कहां तक बचोगे? क्यों? क्योंकि देखते हो आप अगर प्रार्थना चीज देखो, प्रार्थना आप करो तो आप कवच पहनोगे, जैसे कोरोना वायरस के कवच पहनते हैं ना, कहते हैं ना गवर्नमेंट वो कवच देती है, उससे कुछ होता नहीं है, फिर भी एक कवच है, लेकिन फिर भी सुकटी है, लेकिन आप परमेश्वर कवच पहनोगे तो आप इसी संसार में रहोगे, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे रहोगे जैसे परमेश्वर के जन रहते हैं। क्या मैं प्रभु जी लेके आए तो उसने मुझे देखा नहीं, क्या शैतान ने देखता नहीं, वो तीर छोड़ता है, लेकिन परमेश्वर का कवच मेरे पे है। इसलिए कितने ग्रुप में है मेरे लोग, मेरे भाई बहन जो बहुत है, प्रभु सबके पाप के अंगीकार करवाता है, सब कुछ है, शैतान वार करता है, लेकिन वो उस बुलेट प्रूफ जैकेट जो प्रभु की है झेल नहीं पाता।
आज आपकी बारी है। पवित्र बन मेरे जो, अपने ख्यालों, अपने दिल दिमाग से, मैं जानता हूँ, मैं आपकी कंडीशन समझता हूँ, मैं आपके ही हो रास्ते से गुजर के आया हूँ, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल होता है पाप छोड़ना, लेकिन परमेश्वर के सब कुछ संभव है। आप प्रार्थना तो करो, आप आगे तो बढ़ो, प्रार्थना तो करो, परमेश्वर सब कुछ करने के तैयार है। जब प्रभु ने मुझे बदला तो पूरा बदला मेरे अजीजों। शैतान ने तीर छोड़ा शुरू करा, लोगों की कमेंट आती थी जो पुरानी रिलेशनशिप में थे, अरे झूठ बोल रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर सबको जवाब देता चला गया। आज आपकी बारी है। मुझे नहीं पता मेरी बहन आप किस पाप में हो, मुझे पता आप किस पाप में मेरे भाई, किस रिलेशनशिप में बंधे हो सकता है आपका रिलेशनशिप एक पवित्रता में था, अब आप अपवित्र हो गया हो सकता है आप एक समलैंगिकता के संबंध में हो सकता है आप अपने खानदान के किसी भाई बहन के साथ संबंध में हो, क्योंकि ऐसे भी कॉल मेरे पास आई है। आपको पता है यहाँ तक शतंग की चाल है, खानदान में ही अफेयर और खानदान में ही पाप की खबरें आती है। देखिए परमेश्वर धन्यवाद हो, वचन कहता है क्यों है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पवित्र बन, तो शैतान के काम मैं उसे पवित्र करूंगा। लेकिन हमसे कोई भी पाप हुआ हो, आज परमेश्वर का लहू आपसे पुकार के कह रहा है कि बेटा तुझसे कोई भी पाप हुआ हो मैं क्षमा करने का तैयार हूं, बस एक बार तू कह दे मुझे पवित्र बना दे। परमेश्वर हमारे गुनाह को माफ कर देगा। जब वो मुझे माफ कर सकता है तो परमेश्वर आपको क्यों माफ नहीं करेगा, जब वो मुझे बदल सकता है तो आपको क्यों नहीं बदलेगा। इस दुनिया में बदलने वाला मुझे सिर्फ मेरा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। तो आज आपकी बारी है, आपको पवित्र करेगा। क्या मुझे उम्मीद थी कि मैं यहाँ बैठ के आपके सामने प्रचार कर सकता हूँ, नहीं मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की महाकरुणा है जो आज मेरे पे कल आप पे होने वाली है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस वचन को आप सीरियस लेना और समझना, और कोई भी कांटेक्ट करना चाहे, व्हाट्सएप पे करना चाहे, वो करे, अपने पाप के बारे में बताए कि भाई मैं इससे ग्रस्त हूँ, मुझे बचाओ, है ना, प्रभु के द्वारा मुझे प्रार्थना करो, तो परमेश्वर बचाएगा, मैं नहीं, मेरे जो मैं प्रार्थना करूंगा और आपको हिम्मत मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज वचन के द्वारा पिता जो तूने बातचीत करी, वाकई तू पवित्र है, इसे हमें कहता पवित्र बनने के लिए। हाँ मेरे पिता, हमारी गलती खता, हमारी आँख हमें अपवित्र कर रही है पिता, हमारा हमारे शरीर का कोई भी अंग हमें अपवित्र कर रहा, हमारी आँख, हमारे कान, हमारी जुबान, हमारे हाथ, हमारे पैर पिता, तो हम उस चीजों को हमें सौंपते हैं, सुरक्षा दे हमें पिता। आज कोई भी भाई बहन प्राशित कर रहा है इस प्रार्थना के देने के बाद, प्राशित कर रहा है, बदलना चाह रहा है, पवित्र बनना चाह रहा है, तो तू स्वर्ग से परा जोरावर हाथ बढ़ा, जैसे तूने मुझे खींचा था पाप के दलदल से। आज हर एक भाई बहन का, हर एक पति पत्नी को, हर एक कोई भी हो पिता, कोई भी एज का क्यों ना हो, अगर वो प्राशित कर रहा है तो आज इस समय वो छुड़ाया जाए पाप से, हर पाप से, उनके हर बुरे चाल चलन से, और आजाद हो जाए पिता। अद्भुत काम कर इस भाई बहन के जीवन में पिता, जो रो रो के प्राशित कर रहा है, जो पाप के कारण उन्होंने पैसा कमाया, पाप के कारण जो उन्होंने पिता आशीष कमाई, आशीष नहीं कमाई, शैतान की आशीष कमाई है, वो सब पिता परमेश्वर नष्ट हो जाएगी, लेकिन आज वो प्राशित कर रहे हैं, तो आज तू उनको क्षमा करना, क्षमा कर मेरे प्रभु पिता। और आज जो पाप के कारण जो बीमारी के घर में आई है, पाप के कारण जो पिता तकलीफ के घर में आई है, पाप के कारण जो गरीबी आई है, पाप के कारण जो दिक्कत आई है, पाप के कारण जो पिता महामारी आई है, वो सबको दूर हो जाए, जब ये क्षमा मांग रहे, क्षमा मांग रहे, क्षमा मांग रहे, और कह रहे कि हे प्रभु जैसे तू पवित्र है मुझे पवित्र करो। हाँ मेरे पिता, तू हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है। आज हम सबको लहू से धो दे, जितने भी भाई प्राशित कर रहे हैं और बहन प्राशित कर रहे हैं, उनको लहू से धो दे और नया जन्म दे दे, जैसे आपने मुझे बदला। आज हर एक भाई बहन को बदल दे, हर परिवार के लोगों को बदल दे, ये सारा आदर महिमा को देते, जो भी गलत रिलेशनशिप में है वो टूट जाए परमेश्वर मसीह के नाम में, और पवित्रता में आ जाए, सभी भाई बहन पवित्रता में, कोई बुरी आदत में है तो वो भी छूट जाए और पूरा छुटकारा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुनने कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपका आशीष दे। याद रखना परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और आपको पवित्र किया है। परमेश्वर पवित्र है, हमें पवित्र बनना है। सबको जय मसीह की। इस पवित्रता के जीवन में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड।